विष्णु भाई ने सही कहा, मथुरा और काशी में उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन माजिद हैदरी जैसे लोग जो जो पूरी तरह से मुगल काल मानसिकता से प्रेरित हैं, आज भी इस्लामिक शासन चाहते हैं, अवधेश कुमार जी इस मानसिकता को क्या कहेंगे? दीपक जी, यहाँ जिस तरह की बहस हुई है, जरा कल्पना करिए कि जब आज माजिद हैदरी और इमाम मौलाना साहब जिस ढंग के तर्क दे रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 712 ईस्वी से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब्दाली तक के शासन काल में किस ढंग की मानसिकता पैदा हुई है। माजिद हैदरी की पहली बात तो यह है कि इनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। जिस कश्मीर में रहते थे, राज तरंगनी जो कल्हन ने लिखा है उसको एक बार, उसका अंग्रेजी उर्दू तर्जुमा है, उसको ठीक से पढ़े कि कैसे कश्मीर में महमूद गजनी ने आक्रमण के बाद वहां के हजारों मंदिरों को तोड़ते हुए किस ढंग से वहां धर्म परिवर्तन करके संपूर्ण कश्मीर की क्या हालत की है, और किस ढंग से वहां लड़ाई हुई है त्रिलोचनपाल राजा से, तो वो जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि नहीं आता मुगल साम्राज्य का शासन होता, उनको यह पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य उस समय था कहां तक सिमटा हुआ जब अंग्रेज आए थे बंगाल से लेकर के, और आप पूरे देश में देख लीजिए अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी है वो किन किन राजाओं से लड़ी है, मुगलों से उसको कहां लड़ना पड़ा है, तो इतिहास की गलत जानकारी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो वीडियो दिखाया गया है, प्रचलित हुआ है, वो बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जहर भारत में पैदा किया अफगानिस्तान से या कांधार से लेकर के और भारत के पूर्वोत्तर से पूर्व के भाग तक जो पैदा किया, वो उस समय से लेके अब्दाली और आज तक वो एक मानसिकता जिंदा है, और उनको सच से नफरत हो जाता है। लोग कह रहे हैं अरे महमूद गजनबी, आपने कहा एक वीडियो, मेरे पास तो किताब पड़ी है, मैं लेके बैठा हूँ मेडाइवल हिस्ट्री का। माननीय माननीय मोहम्मद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह, अरे सुनिए मोहम्मद, अरे भैया मोहम्मद गजनबी के, मोहम्मद गजनबी के समर्थक, अरे माननीय आपके लिए होगा, हमारे लिए वो क्रूर आक्रांता था, हमारे लिए वो दरिंदा था, आपके लिए माननीय होगा। आपको आपको मालूम नहीं है उस समय दीपक जी राजा विजय दीपक जी यहाँ पे आप इनको अलाउ मत करिए कि आक्रांताओं को जिन्होंने हमारे बेटी बच्चियों को मारा, जिनका कत्लेआम किया, उसका यहाँ पे बैठ के गुणगान करें, और ये कौन सी मानसिकता के व्यक्ति हैं? तो ये अच्छा है कि इतिहास, ये कौन सी मानसिकता के व्यक्ति है दीपक जी?